नमस्ते गाइज, मैं हूं सिंह और आप देख रहे हैं मेरे चैनल सिंह गेमिंग। सो गाइज, बहुत दिनों बाद मैं एक फेस कैम वीडियो बना रहा हूं और ये मेरा फर्स्ट फेस कैम वीडियो है और वो भी विद ए ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ माय पर्सनल ड्रीम पीसी जो भी मेरा रिसेंटली लास्ट वीक ही मेरे घर पे आया है। और ये पीसी जो है, इसके पहले मैं एक लैपटॉप यूज़ करा करता था जो अभी तो मेरे हिसाब से पुराना हो चुका, आउटडेटेड हो चुका है। उसका जो स्पेक्स थे वो थे लाइक 16 GB रैम, 8 GB ग्राफिक कार्ड जो है 1070 NVIDIA का, और उसके साथ साथ जो था उसका प्रोसेसर था i7 7th जनरेशन का जो पुराना हो चुका है। तो इसके वजह से मैंने अभी एक नया पीसी जो है बनाया और मेरा ये ड्रीम पीसी है जिसके लिए मैंने कम्प्लीटली 3 years वेट करे थे। और ये पीसी बनाने के लिए जो मेरा हेल्प करे थे, और वो स्टोर का नाम है अपना विशाल पेरिफेरल्स जो हमारे हैदराबाद सिकंदराबाद में पड़ता है। और वो बहुत मेरा बहुत प्रॉपर हेल्प करे उन लोगों ने। लिटरली 20 days लगे मेरे सारे पार्ट्स आने के लिए। इसमें से क्या था, 70% पार्ट्स अवेलेबल थे, 70% पार्ट्स कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थे। कैसे तैसे करके जोड़ा गया था। एट लास्ट मोमेंट पे तो मेरा मदरबोर्ड और मेरा कैबिनेट जो है डिसाइड नहीं हो रहा था क्योंकि कैबिनेट कहीं मिलने वाला नहीं था। बट लकीली जो इनके ओनर थे वो दिल्ली से पास हो रहे थे और वहीं पर मेरा जो है कैबिनेट हाइपरियन का मिल गया। ROG हाइपरियन जो है बहुत रेयर जो है केस है, उसका रेगुलर केस मिल जाता है, मगर BTF मॉडल जो है, बैक टू फ्यूचर मॉडल जो है अपना ROG का, बहुत लिमिटेड एडिशन पे रिलीज हुए थे और वो इंडिया से ख़त्म होने वाले थे। लास्ट पीस जो था उनके ओनर को मिल गया और वो लेके आ गए मेरे लिए। और साथ में जो था मदरबोर्ड का थोड़ा बहुत इशू चल रहा था। एट लास्ट मदरबोर्ड भी हम लोग ने अच्छा क्रॉसहेयर का ले लिया था अपना ROG क्रॉसहेयर X670E का, और बहुत अच्छा क्वालिटी का और फुल हाई एंड के हिसाब से हम लोग ने गए थे इसमें। और इसको पूरा कॉस्ट करा है मेरे को 4.5 लाख विदाउट एनी एक्सेसरीज। बस 2 मॉनिटर और एक पीसी को पूरा बिल्ड करने के लिए मेरे को लगे नियरली 4.5 लाख के आसपास। और बहुत अच्छा बिल्ड था भाई इनका, प्रॉपर वायरिंग सेटअप थी इनकी, प्रॉपर चीज़ें करके इन लोगों ने मेरे को दिया था। और चलिए आज आपके साथ भी हम शेयर करने वाले हैं कि हमारा पीसी सेटअप जो है हुआ कैसे, कौन से पार्ट्स लगे हैं इसमें। और अगर आपको कोई भी नए पार्ट्स चाहिए तो आप उनके पास जाके ले सकते हैं या तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। और इनके पास अगर आप लेंगे तो कोई अच्छा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा क्योंकि इनके पास हमेशा कोई ना कोई एक सेल चलता ही रहता है। और आपको अगर अपने पीसी में लगाने हैं तो आप भी अपने पीसी में कोई भी एक नए पार्ट्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो हम लोग इसमें पहला आइटम देख रहे हैं ना, ये है हमारा ROG का मदरबोर्ड जिसका नाम है ROG क्रॉसहेयर 670E हीरो मॉडल। इस मतलब वन ऑफ द हाई एंड्स अपने AMD प्रोसेसर्स के लिए है। और इसके से और 2-3 मॉडल्स भी है, मगर ये मेरे को इसलिए बेस्ट लगा कि अपना प्राइस फॉर मनी और इजीली 3 to 4 years आप आराम से चला सकते हो। कोई भी इश्यू फ्यूचर में नहीं आएगा। आप एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड करना आप ऐड कर सकते हो। तो हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग को क्रॉसहेयर में जो है इजीली हम लोग को 4 के 4 DDR5 स्लॉट्स मिलेगा जिसमें आप DDR5 के रैम्स 4 के 4 लगा सकते हैं। और उसके साथ जो हम लोग को मिलता है अपने मेमोरी के लिए, आप 5th generation 5.0 मेमोरी आप उसमें लगा सकते हैं और साथ में 4th generation के 2 स्लॉट्स लगा सकते हैं। जो इसके ऊपर के जो मॉडल है एक्सट्रीम वाली में, उसमें कम से कम आपको रहेगा एक 4th version का स्लॉट और साथ में आपको उसमें मिल जाएगा 4 5th version का स्लॉट। मगर ये जो है मेरे हिसाब से जो है रीजनेबल है। और साथ में जो है मदरबोर्ड के अंदर इजी लाइटनिंग्स वगैरह भी मिल जाती है। बहुत बेस्ट लाइटनिंग है, RGB चलती रहती है, कंटिन्यूस फ्लोइंग है ऑन होने के बाद। और साथ में आपको हम लोग को इसमें जो है 2 पोर्टल का हम लोग का USB मिल जाता था और साथ में हम लोग को 1 पोर्टल का 3.2 का USB मिलता है उसमें। तो बहुत सारे प्लगइन्स हैं हमारे एक ही मदरबोर्ड के अंदर, बहुत सारे प्लगइन्स दिया हुआ है जो नॉर्मल हर एक मदरबोर्ड नहीं दे पाता है अगर हम लोग कम बजट में अगर जाते हैं। तो इसके पहले जो मैं मदरबोर्ड यूज़ किया था वो अपना X670EE था और EA था जो वाइट एंड ब्लैक में आता था। वो मेरे लिए रीजनेबल था, मगर वो सीरीज़ फिर मिला नहीं तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग ने X670 क्रॉसहेयर वाले हीरो वर्जन पर चले गए, हम लोग शिफ्ट हो गए। तो अभी जो नेक्स्ट हम लोग जो देख रहे हैं वो हमारा जो है पावर सप्लाई है 1000 watts का, वो भी सेम ROG स्ट्रिक्स की तरफ से ही है। मतलब हमारा जो मैक्सिमम जो कैबिनेट जो हमारा बिल्डअप था वो पूरा ROG के ऊपर ही है। लाइक मेरे हिसाब से हमारा जो कैबिनेट है वो भी हमारा ROG है, हमारा मदरबोर्ड जो है वो भी ROG है, हमारा जो पावर सप्लाई जो हमारे ये भैया खोल रहे हैं, बहुत अच्छा इन्होंने हमारा जो है पीसी बिल्डअप करा था। इन्होंने ही करा है A to Z, जो ग्लव्स लगाए ना वो भैया ने A to Z अपना काम करा है और परफेक्टली काम करा है कि किसी भी एंगल से जो है कस्टमर को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। फ्यूचर में बहुत देर तक जो भी है बूटिंग सब सेट करके हम लोग को इन्होंने कम्प्लीटली दे के रवाना करा था। और ये हमारा 1000 watts का जो है पावर सप्लाई वो हमारे बजट के हिसाब से बहुत, मतलब हमारे पीसी के लिए बहुत ज़्यादा है, कम भी नहीं बोल सकता हूँ। 850 watts का बहुत था, मगर 1000 watts जो है मतलब बेटर देन बेस्ट। मतलब थोड़े दिन के लिए, मतलब और 2-3 साल आराम से जो है हम चला सकते हैं इसको। कोई दिक्कत हम लोग को नहीं आएगी। और साथ में जो है हमारे कैबिनेट के अंदर जो है कम्प्लीटली 5 फैंस दिया था आरओजी वालों ने, एक बैक साइड था और 3 जो थे फ्रंट साइड थे, और 3 फैन जो है लिक्विड कूलिंग के, मतलब लिक्विड कूलर जो है लोग लगाने वाले थे, मतलब वाटर कूलर नहीं है, कूलेंट वाले कूलर नहीं है, जो नॉर्मल कूलर्स जो है वो हम लोग लगाने थे 3, जो हमारे मदरबोर्ड को ठंडा करने के लिए काम आते थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कैबिनेट अंदर से कैसे दिखता है, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स बोल के लिखा हुआ। और ये पूरा पूरा जो आप कैबिनेट देख रहे हैं ये है BTF मॉडल, जो बैक टू फ्यूचर बहुत कम मेडिसिन का है और बहुत कम लोगों के पास भी है ये। आप YouTube पे अगर ढूंढेंगे BTF मॉडल तो बहुत कम मिलेगा। तो जो हम लोग ने जो कूलर लगाया है वो भी हम लोग ने डिस्प्ले वाली लगाई है, जैसे कि अभी जैसे पीछे अगर रन करती है तो उसमें क्रॉसहेयर का अपना ROG का जो है वो लोगो कंटिन्यूसली डिस्प्ले होता रहता है, और अपन लोग फिर बाद में अपन अपना हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे अपना लोगो लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। जो नेक्स्ट कॉम्पोनेंट हम लोग ने इसमें यूज़ किया था वो है 4080 सुपर RTX अपना, और ये जो है हमारा NVIDIA ग्राफिक कार्ड है जो हम लोगों ने खरीदा है अपने गीगाबाइट कंपनी का, क्योंकि मेरे को भी चाहिए था ROG कंपनी का, ROG का ही चाहिए था मेरे को, मगर बस बजट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता अगर मैं वो लेता, लगभग 6 लाख के आसपास, 5.5 तो पहुँच जाता वो। और मैंने उसको नहीं लेके मैंने लिया, शिफ्ट कर लिया अपने 4080 सुपर जो है 16GB ग्राफिक कार्ड, जो हमारे लिए लाइक बहुत काफ़ी है, 2 साल 3 साल प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर में अगर चेंज करने का अगर मन करेगा देन वी कैन चेंज, अडॉप्ट कर सकते हैं उसको। तो अभी तक के लिए तो ये मेरे लिए बहुत रीजनेबल था, बहुत अच्छा था, बजट फ्रेंडली चल रहा था, और विशाल पेरिफेरल वालों ने बहुत अच्छा काम करा मेरे को ये PC बनाने में, और एकदम परफेक्ट PC जो है गेमिंग प्लस स्ट्रीमिंग का इन लोगों ने मेरे को प्रेजेंट करके दिया है। तो गाइज इतना था भाई आज के लिए वीडियो। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर लगा तो भाई प्लीज़ एक लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और वो बाजू में जो बेल आइकन है प्लीज़ भाई उसको भूलना नहीं, उसको दबा के ऑल पे कर लो, क्योंकि अब से अपन गेमिंग के रेगुलर वीडियोस या लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं जो बहुत रेगुलर होने वाला है। और साथ में भाई कॉमेंट में अपने कुछ भी सजेशंस लिख सकते हैं कि आपको मेरा PC कैसा लगा और कुछ चेंजेस कर सकता हूँ तो क्या कर सकता हूँ इन फ्यूचर, तो मैं करने का बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय, सी यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ गाइज, बाय बाय।